बहुत दिन बाद वापस आ रहा हूँ। नहीं यार देखो, मैं ना जब भी ब्रेक लेने का ट्राई करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ 1 या 2 दिन के लिए ब्रेक लूंगा, पर पता नहीं वो कैसे करके 7 से 8 दिन के लिए ब्रेक हो जाता, मेरे को खुद नहीं पता चलता। लेकिन खैर, वापस आ चुका हूँ। और हाँ, आज जो है जिस मुद्दे पर बात करूंगा, तुम सब शायद समझ गए होगे, अपना काइडो तो हार चुका है, पर आगे क्या होगा। वैसे मांगा चैप्टर 1052 का स्पॉइलर आ गया है, जिस पर मैं हरगिज वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि उस पे जो है चैरी वीडियो बना रहा। बट हाँ, 1052 पे मैं बात जरूर करूंगा। एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं जो है इस वीडियो को पहले दूसरा टाइप से बनाने वाला था, जिसका रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, पर फिर जब मैंने स्पॉइलर देखा और कन्फर्म किया कि क्या ये स्पॉइलर सही है या गलत, पहली बात तो ये स्पॉइलर बहुत जल्दी आ गया। और हाँ, थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ा, क्योंकि मैंने जिसको प्रेडिक्ट किया था जो आएगा वो नहीं आया, बल्कि ये महाशय आ गए। वैसे ग्रीन बुल के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, पहले बात करते हैं कि वानवार क्या खत्म हो गया। देखो यार, अभी बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वानवार खत्म हो गया। हाँ, ओनिगासिमा रेड खत्म हुआ है, प्लस काइडो हार गया, लिलिन हार गई, और अपना जो लूफी है वो शायद हमें योंको बनता हुआ नजर आ जाए। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि लूफी योंको बन गया है, बट हाँ वो बन जाएगा। एक तो वो योंको बन जाएगा, वरना योंको सिस्टम खत्म हो जाएगा। पर कुछ भी हो, ये इन्हीं के प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन हमें एक और चीज नहीं भूलना चाहिए, वानो अभी सेफ नहीं है। लूफी अगर सेल के लिए निकलता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जे में ले लेगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के तरफ से न्यू एडमिरल आया है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन बुल की। अब देखो, फुजीतोरा का हमें पता है वो किस टाइप का बंदा है, वो अच्छा बंदा था, पर ग्रीन बुल का हमें ठीक से नहीं पता। ऊपर से ये लौंडा भाई 3 साल से कुछ नहीं खाया। अब देखो, इसके पावर के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा ग्रीन बुल वाले वीडियो पे, जो कि कल शायद तुमको देखने को मिल जाए। वैसे नेक्स्ट वीडियो ही बना रहा हूं, तो कल ही तुमको देखने को मिलेगा। पर आते हैं यार ग्रीन बुल पे। देखो, मांगा चैप्टर 1052 में हमें ये लीक मिला है कि ग्रीन बुल आ रहा, वो भी वानो। और बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे, अबे ग्रीन बुल आ रहा तो आने दो ना, अपना लूफी तो काइडो को हरा चुका है, क्या ही उखाड़ लेगा। देखो, भले ही ग्रीन बुल एक एडमिरल है, पर हमें उसके पावर का कुछ भी अता पता नहीं है, वो किस टाइप की पावर रखता है। बट हाँ, 1052 के स्पॉइलर पे थोड़ा सा लीक हमें ये मिला है कि उसके पास किस टाइप का पावर है। सबसे मेन बात, वो उड़ सकता है, साथ ही साथ उसके पीछे एक फ्लावर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है ये उसका डेविल फ्रूट पावर होगा। और ये फ्लावर को लेकर के क्या अंदाजा मिलता है पता है, वो जो ग्रीन बुल को लेकर जो थ्योरीज बनती थी ना कि ग्रीन बुल गॉड ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब गॉड ऑफ फॉरेस्ट वाला डेविल फ्रूट उसने खाया है, तो हो सकता है कि इसके पास गॉड ऑफ फॉरेस्ट वाली पावर हो। और अगर इसके पास गॉड ऑफ फॉरेस्ट की ताकत है, तो भाई ये बंदा तगड़ा टक्कर देने वाला है लूफी को। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वन पीस के वर्ल्ड में जो ट्रू गॉड है वो 4 गॉड है। वैसे किसी को अगर इसके बारे में जानना है तो वो लोग 2 वीडियो देख सकते हैं, मेरा ये वाला वीडियो और रूफी कुन का ये वाला वीडियो, तुमको जो है और डिटेल में जानने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें नहीं पता है तो, वन पीस के वर्ल्ड में ट्रू गॉड्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ बात करूं 5 एल्डर्स की, इन लोगों ने जिस हिसाब से ग्रीन बुल को भेजा है, उन लोगों ने दाव भले ही खेला है, पर ये दाव लगता है या नहीं लगता है वो चीज तो मेरे को नहीं पता है। पर ग्रीन बुल जिस हिसाब से आ रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रीन बुल स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ एक एडमिरल को भेज रही, वो भी 2-2 योंको जब थे, इतना आसान नहीं है। और हाँ, ये याद रखना कि 5 एल्डर्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से जो शिप्स जो भेजे थे उस वक्त भेजा था जब काइडो हारा नहीं था, तो उन्होंने यही अंदाजा लगा के भेजा होगा कि काइडो ही जीतेगा, या फिर कुछ भी हो उन्होंने उस हिसाब से ही भेजा था। और एक तगड़े एडमिरल को भेजा, वो भी योंको के टेरिटरी पे, और वो स्ट्रांग हो सकता है। खैर, इससे हमें क्या अंदाजा मिल रहा है भाई, वानो आर्क अभी खत्म नहीं हो रहा है, वानो अभी और चलेगा, तो हो सकता है हमें यहाँ पर स्ट्रॉ हैट वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो शिप्स के फ्लीट्स हैं उनके खिलाफ फाइट देखने को मिले, जिसे एक ओर लीड करता हुआ नजर आए ग्रीन बुल, तो दूसरी ओर अपना फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट मंकी डी लूफी। साथ ही साथ हमें चैप्टर में ये भी मालूम पड़ा है कि लूफी वर्सेस काइडो के फाइट को ओवर होकर के 7 दिन बीत चुके हैं, मतलब लूफी अभी ठीक होगा। जुनेसा जा चुकी है, अब पता नहीं यार वो क्या ही करने आई थी, लड़ने भी नहीं आई, बस भाषण देने आई थी, मोमोनोसुके के साथ बकचोदी करने आई थी, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो क्या ही करने आई थी। खैर, और भी चीजें रिवील हुई है 1053 पे, एक छोटा सा हमें जो है लीक देखने को मिला है, जहां पर 1053 में हमें बाउंटी पोस्टर जो न्यू आने वाले हैं स्ट्रॉ हैट के, वो भी देखने को मिलेंगे, जहां पर हो सकता है लूफी के बाउंटी 5 बिलियन चल जाए, पता नहीं कितना जा रहा है, वो मैं देखना चाहूंगा कितना जाता है, तुम सब अंदाजा लगाओ यार। और हाँ, शायद मुझे और कुछ डिटेल में बात करना नहीं रह गया, तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।